माता का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रीटमेंट ड्राइवर की, जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में निकल गई थी। 1522 टोटल वैकेंसी थी, जिसका कि फिजिकल रिटर्न और ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करा लिया गया। मेडिकल आप लोग के स्टार्ट है 30 सितंबर 2023 से। फर्स्ट डे ही मैंने आप लोग को जानकारी दी थी मेडिकल में क्या चल रहा है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी और अभी आप लोग के लगातार मेडिकल यहाँ पे चल रहे हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, सभी सेंटरों पे मेडिकल कैसा चल रहा है, यदि आप लोगों ने एसएसबी 2020 के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, मेडिकल है या फिर आप लोग आने वाले किसी भी अदर रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, रिटर्न फिजिकल वगैरह दे रहे हैं। जी हाँ, मेडिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो सभी को यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल भी आप लोग का एक स्टेप है, फाइनल स्टेप है और इसको भी क्लियर करना जरूरी है। तो मेरे कैंडिडेट है, इनके द्वारा जानकारी दी गई है। जी, इनका रानी डंगा सेंटर पड़ा था, A to Z जानकारी इन्होंने प्रोवाइड कराई है, एंट्री से लेकर के एग्जिट तक की, कैसे ब्लड जांच, यूरिन जांच, क्या क्या चीजें जांच होती हैं, किस चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है इन स्टूडेंट्स ने। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, फिर चाहे आप लोगों ने 2020 की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है नहीं किया है, या आने वाले समय में आप लोग कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, CAPF में मेडिकल क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, सभी सेंटरों पे मेडिकल बहुत ही अच्छा चल रहा है एसएसबी का। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इजिली आप लोग मेडिकल क्लियर कर जाएंगे, लेकिन यदि प्रॉब्लम है तो पॉइंट बनेगा आपका, री मेडिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये नॉर्मल सी बात है। यदि इसकी जानकारी मैंने आप लोग को पहले ही दी थी, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग जिला अस्पताल में जाके उसे चेकअप कराएं, उसका इलाज करवाएं, उसे क्योर करने की कोशिश करें। यदि कोई प्रॉब्लम है, आपने उसे ठीक कर लिया है, बिल्कुल आप लोग मेडिकल क्लियर कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा समय दिया जा रहा है, सेंटरों पे कोई दिक्कत नहीं है, एसएसबी का मेडिकल बहुत 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 अच्छा हो रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, डर के मत जाइए, ऐसा ना हो कि डरते डरते बीपी का पॉइंट भी आप लोग लेके आ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट टेंशन जाइए, बहुत ही अच्छा मेडिकल हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मेडिकल आप लोग का हो रहा है, A to Z जानकारी ये कैंडिडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इस मेडिकल में और आने वाले मेडिकल। हेलो, हाँ सर, थैंक यू सर, मेडिकल हो गया। हाँ सर, हो गया सर। कौन सा सेंटर था तुम्हारा ये? सर रानी डंगा था, वेस्ट बंगाल वाला। रानी डंगा में तो अभी कैसा चल रहा है मेडिकल, थोड़ा सा जानकारी दो, फ्री हो भी? हाँ सर, फ्री है। हाँ तो बताओ कैसा चल रहा है मेडिकल वहाँ पे? मेडिकल सर बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, मतलब जो बाहर जो फैला रहे हैं ना फालतू के, भाई हार्ड मेडिकल है वो है, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब कुछ नॉर्मल है एकदम आराम से। अच्छा, कितने बच्चे पहुँच रहे हैं अभी? अभी सर प्रेजेंट तो मेरे हिसाब से तो सर 100% ही है, एक दो बंदा तो वो तो जो कट ऑफ के बिल्कुल एकदम बराबर रहा है वो नहीं आ रहा, बाकी तो सभी आ रहे हैं। बाकी सभी आ रहे हैं, मतलब फिर भी कितने? हमारा 118 बंदे आए थे सर, 120 को बुलाया था। हाँ बिल्कुल, 120-121 बंदे बुलाए थे, 118 आए। हाँ 120 को बुलाए थे, 6 बोर्ड बने थे, 6 में 20-20 बंदे सबको दिए हैं। अच्छा हाँ, और वो 118 बंदे आए थे, 2 बंदे नहीं आए थे। अच्छा, और कितना समय लग गया मेडिकल में? मेडिकल में सर 2 दिन लग रहे हैं, फर्स्ट दिन तो वो मतलब चेकअप वगैरह हो रहा है, वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे हो रहा है। अच्छा, दूसरे दिन बाकी का मेडिकल दूसरे दिन हो रहा है। उनमें क्या है, वो सर स्लो है थोड़ा सा प्रोसेस, हॉस्पिटल में थोड़ा स्लो है, इस चक्कर में 2 दिन पूरे लग रहे हैं। हाँ फिर भी हाँ, हो ही जाता है, मतलब ब्लड जांच। हाँ, ब्लड वाला वो है ना, उसमें क्या है कि रात को 9 बजे तक फ्री कर रहे हैं उधर से। अच्छा, तो फिर इधर कोई प्रोसेस बचता नहीं है रात को करने के लिए, कोई मेडिकल नहीं, तो दूसरे दिन सुबह बुला रहे हैं। अच्छा, तो कितनी मेडिकल इधर भी, मतलब जैसे मेडिकल अगर चल रहा है तो सुबह से शाम को 4 बजे तक कंप्लीट मेडिकल फिनिश करके और बिठा देते, फिर जो बाकी जो कार्रवाई जो बचती है ना, कागजी कार्रवाई, उसी में टाइम लग रहा है। पहले ज्यादा लग रहा था, अभी साथ साथ कागजी कार्रवाई होती जा रही, तो थोड़ा धीरे धीरे जल्दी छोड़ रहे। फर्स्ट दिन तो 11-12 बजे छोड़ा था, फिर दूसरे दिन 1 बजे छोड़ा था, फिर अभी परसों तो 10 बजे के लगभग छोड़ा था, कल हमारे को रात को 8:30-9 बजे छोड़ दिया था। अच्छा, अभी मतलब धीरे धीरे थोड़ा फास्ट ही करेंगे वो, मतलब कुल मिला के है कि 2 दिन का समय लग जा रहा है। 2 दिन का पूरा लगेगा सर, वो तो कंप्लीट है। बच्चे डेली पहुंच रहे हैं, मतलब 100-125 डेली, जितने बंदे बुला रहे हैं उतने डेली आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। और ये बताओ कि मतलब कैसे, जो चलो ब्लड यूरिन वगैरह की तो कोई जांच होगी, इसमें और हमारा तो मेडिकल हुआ है वो, उसमें मतलब क्या क्या चीजें हुआ, स्टार्टिंग से थोड़ी जानकारी दो। स्टार्टिंग से सर फर्स्ट में जब अंदर बुलाया
तो चेस्ट नंबर वो फर्स्ट दिन ही दे देते हैं, चेस्ट नंबर वही रहता है लास्ट तक, अच्छा वार्ड नंबर और चेस्ट नंबर वही रहता है जो फर्स्ट दिन देते हैं। ओके उसमें फर्स्ट दिन वाले में ये रहा कि मतलब वो तो फर्स्ट दिन तो हो ही गया था यूरिन वगैरह, उसके बाद में सेकंड दिन जो सुबह लेके गए अंदर, तो फर्स्ट में हमारे को वहां सामने एक रोड है, मतलब अच्छा जो नॉर्मल जो बटालियन में जो रोड होती है ना सीमेंट वाली, हाँ उसके ऊपर सबको लाइन से 10 बंदों को खड़ा किया, अच्छा 10 बंदों का हाथ चेक किया, पैर चेक किया, रीढ़ की हड्डी चेक की, और जो भी अच्छा मतलब वहां पे जो रेफर हाथ पैर का जो भी होता है वो कंप्लीट बाहर चेक कर लिया, जो बाहर चेक करने लायक है ना वो सब कुछ बाहर ही चेक कर लिया था, वहीं पे धूप में खड़ा करके अच्छा पूरे शरीर की जांच कर ली, मतलब हाथ पूरे शरीर की जांच। हाँ वो मात्र 10-15 मिनट लेते हैं, 10-15 मिनट पूरे शरीर की जांच करके छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर फिर उसके बाद उसके बाद में जो 10 बंदों का जो चेकअप हो गया उनको अंदर भेज देते हैं, तुम अंदर जाओ, अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट बैठे रहते हैं ना वो उनका बीपी चेक करते हैं, इतनी देर में वो जब इनका बीपी होता है इतनी देर में वो पीछे जो 10 बंदे बचे हैं उनका वो बाहर वाला मेडिकल चेकअप कंप्लीट हो जाता है। फिर अच्छा वो उधर बीपी चेक कंप्लीट होते ही उनको बाहर भेज देते हैं, और ये जो बाकी जो 10 बच्चे हैं उनको अंदर बुला के और इनका बीपी चेक हो जाता है। कईयों में ये सिस्टम कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर जब 10 बजे तक आता है ना, तो डॉक्टर के आने से पहले पहले जो नर्सिंग असिस्टेंट जो स्टाफ होता है ना वो बीपी वगैरह चेक करके, वेट वगैरह बीपी वगैरह चेक करके और वो पहले से नोट अच्छा, करके रख कहते लेता हैं है। मतलब प्राइमरी चीजें जो चेक कर ली जाती हैं, शरीर वगैरह, बैट वेट वगैरह और बीपी वगैरह, ये सब चीजें चेक कर लेते हैं पहले। हाँ पहले मतलब डॉक्टर आता है, डॉक्टर तो मेन मेडिकल करता ही है, लेकिन उससे पहले बीपी वगैरह ये वेट वगैरह ये जो है ये नर्सिंग असिस्टेंट ही चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ, वेट वगैरह में कोई ऐसा दिखा किसी को, कोई बाहर किया गया हो या पॉइंट वगैरह मिला हो? सर मेरा 84 वेट था, अभी तो सर वो 2-4 दिन क्या इधर रहे, इधर खाना वाना ढंग का मिला नहीं, तो 1-2 किलो वेट कम भी हो गया, 82 वेट आया था मेरा वेट, और अच्छा हाइट मेरी 182 है, ओके तो उसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा बता रहे थे वो बोले 2-3 किलो तेरा एक्स्ट्रा है लेकिन थोड़ा कम कर लेना सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो ये बोले सर, मतलब उनका हाव भाव से ये लग रहा था मेरे को 3-4 किलो वेट तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब तुम बता रहे हो कि 2-3 किलो उन्होंने बोला, तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है वही 3-4 किलो तक ही चलेगा, इससे ज्यादा। हाँ 3-4 किलो तक ज्यादा चल जाएगा, बाकी उससे एक्स्ट्रा होगा तो उसको टाइम देंगे, टाइम ये देंगे कि जैसे मान लो लास्ट में 3 दिन बचे रहे तो उनको उसको बोलेंगे तो 3 दिन का तेरे पास टाइम है, 3 दिन में तू 2 किलो कम करके दिखा दे या 1 किलो कम करके दिखा दे, ऐसा कुछ टाइम देंगे, अगर वो कर देता है तो फिर उसको फिट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा अभी अभी मेडिकल कहाँ कब तक चल रहे हैं, कोई जानकारी वहाँ पे? अभी सर वहां तो 1310 बंदों को बुलाया है, अच्छा, टोटल जो वहां पे लिस्ट लगी है सर 1300 वहां बंदूकों, 1310 बंदे हैं यहाँ पे रानी डंगा में। अच्छा, जिनको करवाना है मेडिकल। हाँ इन 1310 का मेडिकल यहाँ होगा, बाकी 150 का गोरखपुर में, अच्छा 1455 बंदे बता रहे हैं शायद ऐसे करके कुछ। अच्छा और फिर इसके अलावा फिर क्या क्या, अब जो जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने क्या क्या जांच करी? मैन डॉक्टर ने सर पहले तो वो रोड पे जो किया था हाथ पैर वाला वो किया, उसके बाद में अंदर लेके गए, अंदर ले जाकर के फिर सबसे पहले डिस्टेंस विजन चेक किया, वो अच्छा जो पटाते हैं AXPY वाला हाँ वो पटा के उसमें पहले तो ABCD वाला भी था, हिंदी वाला भी था, एक सी वाला था और एक ई आता है वो भी था, वो चीज चेक की, उसके बाद में कान चेक किया, कलर, और अच्छा इसमें आईज वगैरह में किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, कलर विजन हाँ आईज में में? एक बंदा था मेरे साथ में, मेरे जस्ट पीछे था, उसका 6x9 थी आईज, तो उसने बोला था कि सर 6x9 है तो चलेगा, तो नहीं फिर तो मैं घर ही चला जाऊं, तो बोले कि नहीं ये 6x9 में इतना कोई दिक्कत है नहीं, कल देख लेंगे अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो थोड़ा दवाई वगैरह डाल के और आज सो जाना, कल अगर थोड़ा बहुत आंख अगर साफ हो जाता है और हो सकता है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सपोर्टिव स्टाफ मेरे को लगा बढ़िया, मतलब स्टाफ था कोई चलो तो परेशानी नहीं अच्छा, आने तो उसकी की, दोनों आई 6x9 थी क्या? नहीं नहीं एक ही थी सर। फिर तो हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगर। एक बंदा था हमारे बैच में उसका मतलब वो 2008 से बता रहा था, डेट नंबर का चश्मा लगा था 1.7 का, 2008 से बोला मैं चश्मा लगा रहा हूँ, तो उसको बोले कि देख ली तेरा फिट तो होगा नहीं, उन्होंने साफ साफ मतलब बैठ के जो पूरे दिन में जो रेफर लगता है ना उसके बारे में लास्ट में बैठ के आराम से बात करते हैं डॉक्टर को, तो तेरा ये रेफर है इसमें ये हो सकता है, इतना प्रोबेबिलिटी है तेरा रेफर क्लियर होने की, इतना नहीं है, तो वो बैठ के आराम से बताते हैं भाई देख तेरा अगर हो सकता है तेरा 90% तेरा लग रहा है मेरे को हो जाएगा, भाई तेरे को लग रहा है तो गलत है, अगले को पता नहीं लेकिन मैं तो मेरी तरफ से तो गलत है, थोड़ा बहुत गलत है लेकिन मेरे को देना पड़ेगा रेफर, बिल्कुल
वो अपनी तरफ से रेफर देते हैं। एक सर वो सबसे मेन तो बीपी वाला ही है, लगभग अच्छा बच्चे घबरा रहे हैं तो बीपी वाला ही हो रहा है सबको। अच्छा बीपी में सबके मतलब ये लग रहा है कि बीपी चल रहा है 140 तक। हाँ बीपी बढ़ जा रहा है बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेडिकल थोड़े बच्चे डर भी जाते हैं, इस वजह से मुझे लगता वो है घबराहट बहुत होती डर से बीपी बढ़ रहा है, वो फर्स्ट में बीपी चेक हो रहा है अभी। बीपी नर्सिंग असिस्टेंट ले रहे हैं तो वो मतलब बोल भी रहे हैं कि थोड़ा आराम से रहो, उसमें ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पानी पियो आराम से, ठंडा पानी रखो अपने पास, पानी पियो, पैर और हाथ को थोड़ा धो के रखो और हो सके तो सर को धो के रखो आराम से, एकदम कूल रहो अच्छा तो बीपी एकदम डाउन आ किसी का जाएगा। ज्यादा बीपी दिखाई दिया कि उसे फिर टाइम दिया होगी भाई बीपी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम। टाइम सर हमारे ग्रुप में दो तीन बंदे थे, उनका बीपी ज्यादा था, सुबह जब चेक किया तो उनका बीपी ज्यादा था, तो उनको मतलब फिर सुबह 3 बार चेक किया, उनको तीनों बार में बीपी 150+ आया था उनका। फिर शाम को उनको वापस जब डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने देखा कि बीपी इनका ज्यादा है तो उनको वापस चेक किया, वापस चेक किया तो उनमें से दो तो फिट हो गए, एक बंदा रह गया बीपी में। वो बोलेगी तो कल आराम से आना, तेरा ओनली बीपी बीपी का रेफर बचा है तो कल तेरा क्लियर हो जाएगा आराम से, नो टेंशन हो के आना। तो बहुत ही अच्छा स्टाफ है, मतलब उसे पॉइंट नहीं दिया, कहने का मतलब है कि उसे बुला लिया कि आप दोबारा आइएगा और चेक कराइएगा। हाँ कल दोबारा बुलाया उसको, पॉइंट ही दिया है मतलब री मेडिकल में, अच्छा, बोले कि री मेडिकल वाले के पास कल सुबह जब जाए तो बढ़िया ठंडे पानी से नहा के आराम से और एकदम कूल माइंड से जाना, भाई हो जाएगा बीपी में कोई ज्यादा बिल्कुल था बीपी नहीं भी उसका। एक पॉइंट बन जाता है, अगर ज्यादातर बीपी लो नहीं, अगर नहीं डाउन होगा तो बिल्कुल उसको फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ उसके बाद में सर वो प्राइवेट पार्ट से होते हैं, उसमें मतलब पर्सनली बुला के वो करते हैं सारा सिस्टम, अच्छा बाहर सबको बाहर बिठाते हैं, फिर पर्सनली एक बंदे को अंदर बुलाएंगे, उसका सारा प्राइवेट पार्ट चेक करेंगे और फिर बाद में मतलब एक एक बुला के सबको चेक करते हैं आराम से। तो वो अच्छा प्राइवेट पार्ट डॉक्टर वगैरह चेक नहीं करते, कोई बाई चांस किसी बोर्ड में डॉक्टर चेक करें, बाकी नर्सिंग असिस्टेंट चेक करते हैं। अच्छा अच्छा किसी को लग रहा है कि भाई हाँ इसकी दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए डॉक्टर को बुला रहे हैं, अच्छा और एक वेरिकोज वेंस वाला भी किसी किसी को मिल रहा है। अच्छा उस पे भी मिल रहा है पॉइंट। हाँ उसमें क्या है, इतने पुराने बंदे हैं तो उससे नए 90 वाले हैं सारे लगभग, तो वो अंदर से फूल जाते हैं धीरे धीरे, वो अच्छा। उससे हो रहा है सब। और फ्लैट फूड वगैरह नौकनी वगैरह ये सब चीज देखी होंगी। हाँ फ्लैट फूड वो फर्स्ट में होता है सर, वो बाहर जब रोड पे कराते हैं ना अच्छा, उसी उसमें वक्त सब कुछ वहीं पे देख लेते हैं। तो वहां पे किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, कुछ ऐसा मिला, कुछ पॉइंट वगैरह बना किसी का? एक लड़के की नौकनी था, लोग नौकनी में लेकिन ये सर नौकनी में बाई चांस किसी का एकदम बिल्कुल टच हो रहा है ना, एकदम पैर के ऊपर पैर आ रहा है तो ही उसी को नौकनी दे रहे हैं, बाकी हर किसी को नहीं दे रहे। अच्छा नौकनी में नॉर्मल सभी का देखो टच हो रहा है, मेरा खुद का टच हो रहा था तो टच हो रही, तो वो बोले कि ये ऑन नॉर्मल जो चमड़ी है वही टच हो रही है, अंदर से जो हड्डी है वो टच नहीं हो रही, ऐसा करके बोले हड्डी टच होगी तो ही माना जाएगा ये नौकनी है। अच्छा हाँ हड्डी टच होती है ना दोनों पैरों की, ऊपर नीचे होते हैं ना पैर, हाँ तभी बिल्कुल, मानते हैं कि नौकनी है, बाकी उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छा इतना स्टाफ। हार्ड था नहीं मतलब जो जितना हवा फैला रखी है ना। हाँ नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है तुम्हारा, सपोर्टिव स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ है। इसी तरह के हाँ मेडिकल, तो मैं तो कहूंगा सभी बच्चों को रानी नंगा ही भेजो। हाँ सही है। और फिर ये टीथ वगैरह भी देखे गए? फीस वगैरह सर वो 22 पॉइंट है, उसमें 22 पॉइंट में 14 पॉइंट लाने हैं, और उसमें किसी का अगर लग भी रहा है तो दूसरे डॉक्टर को बुला रहे हैं, किसी भी अच्छा पॉइंट में अगर खुद को ये लग रहा है ये सही है या गलत है तो बगल वाले डॉक्टर को बुलाते हैं उसको दिखाते हैं। अच्छा किसी को कोई लगा टीथ में? किसी को टीथ में तो बहुत ही कम चांस है मिलने के। एक लड़का था सर टीथ में, उसने पूरा ही इम्प्लांट करा रखा था। ओहो, पूरा ही करवा रखा था। हाँ फ्रंट वाले जो दांत वो पूरे उसने लगवा रहे थे, 4-5 दांत लगवा रखे थे तो फिर तो उसका पॉइंट बन जाएगा, वो तो फिर दिक्कत है। उसका, उसका 22 पॉइंट थे, उसके टोटल 22 में से उसके 5 पॉइंट कट हो गए, फिर अच्छा पास उसको पास तो कर दिया, फिर उसके कर 5 पॉइंट कट हुए 22 में से, उसको 14 नंबर लाने थे बाईस अच्छा। में से हाँ तो टीथ में, पास। टीथ में तो वही मैक्सिमम कैंडिडेट पास हो ही जाते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ 14 नंबर लाने थे उसके, वो मतलब पीछे वाला जो सिस्टम है जाड़ वगैरह वो हाँ सही था, तो 6 एक साइड का 6 एक साइड का 12 नंबर तो ये हो गए तो यही और है। 2 दांत और मिला थे, 14 नंबर हो गए, 14 नंबर होते इसको क्लियर कर दिया। यानी एक्चुअली क्या ना, जैसे दांत तुम्हारा टूट जाए ना तो उसे लगवा लो ना, तो वो ज्यादा वो ठीक रहता है, अगर तो नहीं लगवाओगे तो दिक्कत होती है। सर लगवाने में दो तीन तरीके हैं लगवाने के, एक तो अपन जैसे सीधा लगवा देते हैं दांत, एक सिंगल दांत लगाते हैं वो छेद करके और वहां पे कील लगा के वो दांत लगा देते हैं,
पूरी तरीके अब यहाँ पे वो बंदा लगा था, उसके सामने वाले दो दांत टूटे देते, दो तीन दांत, उसने अच्छा क्या कहा ब्रिज बनवा लिया, अच्छा ब्रिज में जो बगल वाले जो दांत होते हैं ना उनके ऊपर वो कैप सटती है हाँ, तो उसे भी घिसना पड़ता सामने, बिल्कुल। हाँ उसने किसी ने बता दिया होगा भाई मैं दिखेगा नहीं, ऐसा करे किसी ने ज्ञान दे दिया तो वो सामने चिपका दिया उसने, और वो सामने ऐसे किसी दिख रहा है, नकली दांत होगा तो साफ दिखेगा बिल्कुल दिख जाएंगे। वो, एकदम एकदम क्लियरिटी दिख रही सारे दांतों में एकदम, तो वो पकड़ा गया देखते ही। बाकी मेडिकल नॉर्मल है, कोई डीएनएस वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल चेक कर रहे हैं, इतना वो ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे ना किसी को, ये लग रहा है कि भाई जितना हार्ड मेडिकल है, सभी बंदे जब अंदर घुसे तब सबको टेंशन थी, लेकिन जब बाहर निकले जिसको रेफर मिला वो बंदा भी यही बोला देख मेडिकल सही हुआ है, चाहे रेफर मिला हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेडिकल बढ़िया हुआ है। रेफर देखो उन्हें, उसे भी पता है ना, बच्चे को भी पता है कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है तभी मुझे मिला है, हाँ ये तो है ही। और बच्चा स्टाफ सपोर्टिव है, सब कुछ बता रहा है कि भाई यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, इतने चांस है, मतलब बहुत ही सपोर्ट कर रहा है स्टाफ, पूरी जानकारी दे रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए। और सर टैटू में जो हथेली के पीछे जो टैटू बनता है ना हाँ उसमें किसी को अनफिट नहीं कर रहे, उसमें फिट है, अच्छा, हथेली के पीछे मतलब जब सल्यूट करते हैं तो सल्यूट जो हाथ है सल्यूट वाला उसमें सल्यूट करते टाइम सामने नहीं दिखना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि हाथ का आगे का पूरा जो हिस्सा होता है ना, जैसे व्हाइट कलर का जो आगे हाँ का, व्हाइट व्हाइट कलर वाला है ना इसमें किसी का इस पे नाम नहीं होना, लिखा होना चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीजें, इसके ऊपर नहीं होना, इसको सीधा अनफिट करेंगे, और पीछे बैक में चल जा रहा है। बैक में चलो, बैक में चले जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, कुछ भी लिखा हो। कुछ भी लिखा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सामने मतलब जब सल्यूट मारता है ना बंदा उसको सल्यूट करवा के देखते हैं, सल्यूट करता है तो सामने अगर टैटू दिख रहा है तो ठीक है हेल्प कर देंगे, और नहीं दिख रहा तो उसको पास करेंगे फिर आराम से, और फिर अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो फिर बगल वाले डॉक्टर को पूछेंगे, अगर सेट हो गया तो ठीक है वरना फिर उसको रीमेडिकल दे देंगे, फिर वो बोर्ड चेक करेगा उसका दोबारा। अच्छा, वो भी सिर्फ राइट हैंड में होता है, लेफ्ट हैंड में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेफ्ट हैंड में कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड में ज्यादा दिक्कत है। हाँ क्या कह रहे, मतलब टैटू का भी ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड अपनाते हैं। वही है, और उसका क्राइटेरिया भी है कुछ, मतलब 1/4 ऐसे करके शायद कुछ हाँ, है। साइज होते हैं, साइज उससे अगर उससे छोटा है तो भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ा होगा तो दिक्कत आ जाएगी आपको। हाँ यहाँ पे मतलब छोटा मतलब एक शॉर्ट नाम अगर सल्यूट वाले पे शायद सिंगल नाम भी लिखा हो ना, जैसे एन लिख दिया, वी लिख दिया, के लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उसमें भी शायद दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं है लेकिन उसमें शायद मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं। नहीं, सलूट हैंड में सामने दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। हाँ वो रीमेडिकल देंगे उसको, वो हाँ वाले उधर वाले फिट कर रहे बताए, वो बोले थे कि उधर फिट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मतलब एक बार आपको पॉइंट जरूर मिलेगा, और अगर आपने उसे पॉइंट मिटवा होते दिया है ना, उसको ऑपरेशन करवा दिया है, लेजर वगैरह करवा दिया, अगर उसे हटा दिया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो चल जाता है। हाँ रेजर वाले का वो मतलब दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे फिर चेक होता। हाँ, बस ये है कि बस बच्चे को सलूट का, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सलूट को मतलब एक रूल्स के अनुसार वो कर दिया कि भाई आप सलूट कर रहे हो तो किसी को आइडेंटिफिकेशन ये नहीं था भाई, जैसे ओम लिख दिया, जय श्री राम लिख दिया, ये लिखा के रखते हैं ना, तो अगला बंदा पता नहीं कौन सा ऑफिसर हो कैसा क्या हो, वो एक ऑफिसर की बेइज्जती होती है सर, हाँ बिल्कुल, ऑफिसर की वो ये एक बता रहे हैं। गलत गलत उसमें माना जाता है, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसी वजह से वो बड़ा टैटू होगा तो दिक्कत, छोटा होगा तो भी चल जाएगा, और पीछे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हाँ वो वो बना यही बोल रहे थे, बोले लेफ्ट ऑफिसर की हैंड। बेइज्जती होती है ये टैटू वेटू लगाते हैं ना। और देखो बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड में ही करवाते हैं टैटू, तुम कभी भी टैटू करवाओगे तो राइट हैंड में करवाओगे और आगे हाँ करवाओगे। यही है तभी ज्यादा मिल रहा है पॉइंट, लेफ्ट हैंड वालों को इतनी दिक्कत आई नहीं रही, सब नॉर्मल है। अच्छा, तो और बताओ कुछ, किसी बच्चों को किसमें किसमें और सर एक कलर विजन था, कलर विजन लास्ट में चेक कराया था, कलर विजन के बाद में जब किसी को जैसे 6/9 का रेफर मिला था ना, उसको एक जो छोटी किताब आती है वो पेज आता है छोटा, हाँ, वो पटवा रहे थे, अच्छा, उसमें अगर वो बंदा अगर वो 6/9 वाला अगर वो वहां नहीं पट पाया और यहाँ पट गया ना तो उसको क्लियर कर देंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब उसको 6x9 का उसको पॉइंट बना है, लेकिन अगर उसको नेक्स्ट डे उसने कलर विजन वाला जो पढ़ दिया तो वो क्लियर हो जाएगा। नहीं नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन जब लास्ट में जब बाहर निकलेंगे ना, अच्छा, पूरे दिन का मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जो है वो किताब देंगे, एक तो कलर विजन वाली, कलर विजन कंप्लीट कर देगा उसके बाद में देंगे वो डिस्टेंस विजन का होता है, छोटी किताब होती है, किताब नहीं मतलब एक पेज है, वो लेमिनेट करवा के उसको रख रखा है, उस अच्छा, पेज में लिख रखा है ऊपर 6 लिखा है, उसके नीचे एक लाइन है, फिर एक 9 लिखा है, उसके नीचे एक लाइन है, मतलब 6 का मतलब 6/6 है, 9 का मतलब 6/9 है, ऐसे करके वो लिखा है, 12 15 ऐसे करके।
अच्छा, वो कलर भी वो तो नहीं है, मीन्स जिसमें पॉइंट पॉइंट से होते हैं कलर लिखा, तो बीच में जो वर्ड्स हाँ वही लग, वही वो कलर विजन वाली किताब, वो तो वो पहले ही करवा लेते हैं। हाँ वो तो कलर विजन वाली है। हाँ उसके जस्ट बाद में ये वाली किताब करवाते हैं, ये जो लेमिनेट करवा वाला हो गया पेज है ना। 6x9 था, वो क्लियर हुआ तुम्हारी जानकारी में, हाँ सर, उसका क्लियर हो गया 6x9 वाले का? 6x9 वाले का नहीं हुआ सर, वो पट ही नहीं पाए, वो साफ साफ मना कर रहा था मेरे को नहीं। हाँ हाँ तो दिक्कत होगी उसको, दिक्कत थी उसको थोड़ी सी, मतलब वो कोशिश कर रहा था। ज्यादा ही दिक्कत होगी, तुम समझ नहीं रहे हो, ज्यादा ही दिक्कत होगी, हाँ हो सकता है उसको ज्यादा दिक्कत हो, मतलब वो पट नहीं पा दिक्कत रहा था, वो तो ट्राई कोशिश करने ही आता भी नहीं कर है। रहा था, वो बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल भाई यही बात। कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसको बोला कि थोड़ी कोशिश तो करे एक बार, वो बोले कोशिश भी नहीं सर, मेरे को दिख ही नहीं रहा मैं क्या पढ़ूँ, बस तब उसको दे दिया। चलो, और चलो ये बताओ कि री में जो पॉइंट, जैसे पॉइंट में था, री मेडिकल का कैसे चल रहा था, कितना समय दे रहे थे और क्या क्या हो रहा री मेडिकल में दूसरे दिन सुबह बुलाएंगे वापस, था? अच्छा दूसरे दिन सुबह जितना जल्दी चला जाएगा उतना जल्दी बाहर भेज देंगे फिर वापस। अच्छा तो री मेडिकल जो ले रहे हैं वो कौन देख रहे हैं, वो भी डॉक्टर से देख रहे होंगे? वो मेडिकल ऑफिसर है सारे, वो अलग बोर्ड बैठा है दूसरी साइड में। अच्छा वो अलग बोर्ड है। हाँ अलग बोर्ड है दूसरी साइड में वो बोर्ड, उसमें 4 मेडिकल ऑफिसर हैं, 2 प्रेसिडेंट ऑफिसर हैं, अच्छा तो वो चार दो बोर्ड बैठे हैं अलग अलग, दो दो बंदों के दो दो ऑफिसर बैठे हैं दोनों बोर्ड में, वो चेक कर रहे हैं। री मेडिकल में स्पेशलिस्ट के पास ट्रांसफर कर रहे हैं सीधा हॉस्पिटल में, अच्छा जैसे किसी को आंख का मिले तो आंख के स्पेशलिस्ट है उसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे जो भी खर्चा आता है वो खुद को कैंडिडेट को देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा कहने का मतलब है कि जैसे जो बड़ा पॉइंट है, जैसे आंख का पॉइंट होगा, इसके लिए आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, हाँ और जैसे जो मान लो छोटे पॉइंट है मेरा आँख वहाँ का पे देने पॉइंट है ना, भेजेंगे। अगर मेरा आँख का पॉइंट लगा है तो मेरे को हॉस्पिटल में भेजेंगे, जो वहां पे जो भी मेरा खर्चा लगेगा वो कंप्लीट मेरे को देना पड़ेगा, उसकी जो स्लिप बनेगी वो सारी अच्छा स्लिप ला फिर यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी, अच्छा यहाँ जमा करवाने के बाद वो मेरे को जो पैसा जो मेरा लगा है वो वापस देंगे। वो वापस मिलेगा, हाँ वो फर्स्ट इसका दिन भी मतलब वो कहने ही का मतलब है हुआ है। वहां के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर लिख के देंगे कि आपको क्लियर किया है कि नहीं किया, वो जो भी चीजें की वो जो लिख के देंगे, आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। हाँ वो वहां पे सबमिट करना है, वो इतने ज्यादा देखते नहीं है, वो ओनली रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से चलते ज्यादातर वो। अच्छा और तो फिर यहाँ पे जो देखते हैं वो छोटे पॉइंट को देखते होंगे। हाँ वो छोटा पॉइंट जो है मुझे से मान लो नोकनी वगैरह का है तो उसको ढंग से चेक करेंगे, फिर भी उनको ऐसा लगेगा हाँ अब एक तो ऐसा लगेगा भाई बिल्कुल ही टच हो रहा है ये तो उसको तो सीधा बाहर कर देंगे, और उसको शक हो रहा है कि भाई ये टच हो रहा है नहीं हो रहा तो उसको फिर सुला के उठक बैठक निकाल के ऐसे करके पूरा चेक करते हैं, फिर भी अगर शक क्लियर नहीं हो रहा उनका तो फिर उसको हॉस्पिटल में भेजते हैं एक्सरे करवाने के लिए, फिर अच्छा दोनों पैरों को जोड़ के एक्सरे करवा के जाना, तो उसमें देखते हैं कि वो हड्डी टच हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ उसमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। हाँ उसमें अगर हड्डी टच होती दिखती है तो फिर उसको बाहर निकालते हैं वरना उसको फिट कर देते हैं, अच्छा और मतलब इतना मौका दे रहे हैं कि शायद इतना मौका मैं किसी भर्ती में नहीं देखा मैं मेडिकल भी में। पहली बार ही सुन रहा हूँ, बिल्कुल SHG का बहुत ही अच्छा सपोर्टिव स्टाफ, इतना इतना मतलब तुम्हें मौका मिल रहा है, बहुत ही मतलब ऐसा ही सर उसने किसी चीज ड्राइविंग में भी इतने करने की मौका वजह दिया से अगर था। तुम्हारे में प्रॉब्लम है तभी तुम्हें बाहर किया जाएगा। हाँ और अच्छा ये बताओ कि अब चलो री मेडिकल का तो हो गया, अब तुम्हें किसी में पॉइंट मिला नहीं मिला? नहीं, मैं तो आ गया वहां से, हो गया मेरे क्लियर। चलो ठीक है बढ़िया है। और किस किस में पॉइंट मिले थे, कुछ बच्चों को कुछ जानकारी कुछ ऐसा तुमको देखने को मिला? और सर मेरे तो बैच में मतलब एक तो कान का था, कान में उसके सफेद दाग था, अच्छा उसको सफेद दाग दिखा था, वो बोले कि सफेद दाग मेरे को दिख रहा है बाकी तुम कल जा चेक करा लेना जाके, अच्छा मतलब ये सफेद दाग है या फिर वो कोई वगैरह वैक्स वगैरह कुछ है वो चेक करवा लेना, तो वो उनको मतलब फ्री किया है वहां से, बाकी वो कल आ चेक करेंगे उसका बता देंगे। वो एक का आंख में जो जो आंख में जो मैं जो ब्लैक वाला जो है ना इसके ऊपर जो खाल आ जाती है थोड़ी थोड़ी वो वाला था, तो उसको बोले कि तेरा डिस्टेंस विजन भी सही है कलर विजन भी सही है सब कुछ सही है, तो एक बार वहां पे रेफर तो मेरे को देना पड़ेगा बाकी देख लेना तुम। सर ठीक है वो भी हो जाए, वो बोले कि वहां पे क्लियर कर देंगे लेकिन हमारे को देना पड़ेगा, कि बिल्कुल कल को फिर आगे जब दिखता है तो वो बोलते हैं कि इसका मेडिकल किसने किया था, आगे दिक्कत आती है बोले हमारे को, हाँ भाई इसलिए हमारे को बिल्कुल एक बार देना पड़ेगा रेफर, बिल्कुल, वहां से अगर फिर क्लियर हो उसके जाता है अनुसार तो ही कोई करना दिक्कत पड़ता है, नहीं सही बात है। ऐसे बोल देते हैं। अच्छा बाकी बोर्ड बढ़िया है मेडिकल बढ़िया कर रहे हैं फिट, लेकिन अब बंदा जब फिट अनफिट होगा वो होगा ही होगा, हाँ बिल्कुल हमारे बैच में एकदम बढ़िया तरीके से किया था फिर भी
फर्स्ट 10 थे उनमें से 3 फिट हुए थे और सेकंड 10 में 6 फिट हुए थे, ऐसे करके 9 बंदे फिट हुए थे, 11 बंदे अनफिट हो गए थे। ओह तो मतलब लेकिन फिर भी फिट डॉक्टर हो गए हो आप। के माइंड भी है सर, डॉक्टर का माइंड अगर खराब करेंगे ना तो वो ज्यादा अनफिट करेगा, वो दोबारा चेकअप नहीं करेगा और उसके बढ़िया तरीके से पेश आएंगे, तरीके से बोलेंगे, सारा काम जैसे वो बोलेगा वैसे कार्रवाई करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वाले बंदे जो थे वो आराम से आ रहे थे, सारे तरीके से पेश आ रहे थे, तमीज से बोल रहे थे और जितना उनको बोला जा रहा था उतना ही कर रहे थे, तो सबका बीपी वगैरह सब कुछ दोबारा चेक किया था आराम से। बिल्कुल बिल्कुल और एक जो हमारी जस्ट पहले जो 10 बंदे निकले थे वो मतलब एक रेफर दे दिया किसी को, तो बोल रहा है सर मेरा आर्मी में तो मैंने फिट किया था और आपने स्ट्राइक पे पॉइंट मत भी दे बात दिया, ऐसे है। करके बिल्कुल हाँ बिल्कुल उससे बहसबाजी कर रहे थे। उससे बाहर जो नर्सिंग स्टूडेंट था उसने बोला था कि यहाँ का ये पैरामिलिट्री है वो मिलिट्री है, बिल्कुल उनका अलग। दोनों में दिन रात का अंतर है, ये एक बोर्ड अगर मेडिकल कर रहा है तो दूसरे बोर्ड की भी नहीं मानता, ये बात भी सही वो है। अपने हिसाब से करता है, तो तुम ये मत ज्ञान अंदर ये ज्ञान मत देना कि सर मैं उसमें फिट होके आया हूँ उसमें फिट होके आया हूँ, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल यहाँ जो अनफिट लिखा है वो लिखेगा, भाई, फिर आराम से बिल्कुल चेक करे तब उस टाइम बोल देना। डॉक्टर अपने अपने अनुसार चलेगा भाई, ये भी तो देख रहे हैं, ये भी तो चेक कर रहे हैं, ये थोड़ी किसी और के कहने पे किसी को फिट और हाँ अनफिट कर दिया जाएगा। वो यही बोल रहा था डॉक्टर, उनको बार बार यही बोल रहा था कि तुम यार तो तुमको ये वहां के फिट दिया ही है तो वहां वाला जो तुमको डॉक्यूमेंट दिया वो मेरे को लाके दे दो, मैं सीधा तुम्हारे फिट लिख देता हूँ, मेरे से मेडिकल करवाने के लिए क्यों आए। फिर अच्छा, ये हार्ट बीट वगैरह भी देखी गई थी क्या अभी भी? हार्ट बीट देखा था सर लास्ट में, वो हार्ट बीट देख रहा था, हार्ट बीट में किसी को बार बार तो नहीं किया, मतलब ये देख रहा था कि भाई हाँ सही धड़क रहा है या नहीं, चेक नहीं किया भाई कितना बार धड़क रहा है कैसे, बस ये धड़कन देख रहा था भाई हाँ धड़क रहा है सही धड़क रहा है, वो थोड़ा जंप करवा भाई फास्ट हुआ नहीं हुआ धीरे हुआ नहीं हुआ ऐसे भैया करके। आपको खाना देंगे आना लंच के लिए। और चलो बाकी जो तुमने सारी जांच बताई दी है सारा कुछ, क्या नाम है कि एक बार बच्चों से बता दो कि भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, फ्री माइंड जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है मेजर प्रॉब्लम है तभी बाहर होगे, नहीं तो अगर छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप आराम से मेडिकल क्लियर कर सकते हो।